गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सब हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मुस्कान भाग एक के पाठ पाँच में चला स्कूल पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में हमारे उन पलों के बारे में बताया गया है जब हम स्कूल जाते समय जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी के कारण हम कभी कभी लंच बॉक्स, कभी किताब, कभी पेंसिल स्कूल बैग में रखना भूल जाते हैं, क्योंकि हम समय से अपना स्कूल बैग पैक नहीं करते या कभी कभी देर से उठते हैं तो जल्दबाजी में हम कुछ भूल जाते हैं। इन्हीं सब बातों को प्रस्तुत पाठ में कविता के माध्यम से प्रकट किया गया है। प्रस्तुत पाठ में सबसे पहले हमारे चारों ओर के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए एक छात्र अपने आप से बातें करते हुए कह रहा है कि हरे हरे पत्ते, लाल लाल फूल, करो मत देरी, मैं तो चला स्कूल। अर्थात सुबह के समय जब चारों ओर सुंदर सुंदर पौधों पर लाल रंग के फूल खिले हुए हैं और उन पौधों के पत्ते भी तरोताज़ा दिखाई दे रहे हैं। करो मत देरी, मैं तो चला स्कूल। अर्थात अब हमें इन्हीं पौधों के को फूल को देखने में ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि स्कूल जाने में देर हो रही है। इसलिए मैं अब बिना देर किए स्कूल जा रहा हूँ। लेकिन प्यारे बच्चों, उस छात्र की जल्दबाजी के कारण कुछ वस्तुएं स्कूल बैग से बाहर रह जाती है और तभी उसकी माँ उसे पुकारती हुई कहती है, छूट गई पेंसिल, पुस्तक गए भूल, ले लो झटपट बेटा, पहुँचो स्कूल। अर्थात तुम्हारी पेंसिल और पुस्तक यानी कि बुक तुम भूल गए हो, जल्दी से इन्हें लेकर स्कूल जाओ, अर्थात ज़्यादा देर मत करो। प्यारे बच्चों, आप भी कभी जब लेट उठते हो या आपकी स्कूल बस आ जाती है तो आप भी अपनी कोई पुस्तक, पेंसिल स्कूल बैग में रखना भूल जाते हो तो आपको भी कौन याद दिलाता है? आपकी मम्मी या पापा। इसलिए प्रस्तुत कविता में हमें समय से बैग पैक करना, अपनी वस्तुओं को सही स्थान पर रखना आदि बातों का अपने जीवन में पालन करना चाहिए, ताकि हमारी वजह से हमारे माता पिता को या परिवार के किसी दूसरे सदस्य को कोई भी हो।